सुभाष चंद्र बोस जी स्वाभाविक मृत्यु से मरे हैं और 1986 तक वो धरती पर रहे हैं इसकी पूर्ण जानकारी है। वहाँ एकाएक विशाल संत के रूप में उनका दर्शन हुआ। खादी का धोती दुपट्टा, खादी का कुर्ता बिल्कुल, और बड़ी बड़ी जो है सो दाढ़ी, बाल के रूप में, बाल उनके सर पर, जटाधारी के रूप में वो मिले। जब दोनों रामरेखा बाबा और सुभाष चंद्र बोस जी का आमने सामने हुआ तो रामरेखा बाबा के आँखों से आंसू की धारा, गंगा के धारा के जैसे बहने लगी। झारखंड का ही गोमो जंक्शन से उड़ान उनका हेलीकॉप्टर किया, इटली का जो हिटलर था उसके साथ में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोला दागा गया उनके हेलीकॉप्टर को जलाने के लिए, धराशायी करने के लिए, आग उसमें लगी और वो हिमाचल के किसी एक क्षेत्र में जहाज जल करके राख भी हो गया। फिर जांच जब किया गया तो पता चला कि नहीं, हेलीकॉप्टर तो जल करके राख हो गया लेकिन किसी का वहाँ शव का कोई प्रमाण नहीं मिला। कभी नहीं बोलते थे कि मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद, बोलते थे मेरा नाम आज़ाद, तुम्हारा पिता का नाम स्वतंत्र और तुम्हारी माता का नाम भारत। ये उनका मुखारविंद से निकलता था, कोड़ों की मार लगती थी लेकिन फिर भी वो इस बात को कभी बदलते नहीं। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हार गई जी 1977 में, तब बाबा के पास गई। बाबा बाहर आए, कहा बेटी तुम क्या कर रही हो, तुम इस साधु महात्मा का जो ऑपरेशन करवा रही हो, बंध्याकरण करा रही हो, इसी कारण तुमको हारना पड़ा, तुम मेरा आशीर्वाद लो, मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा चुनाव चिन्ह होगा, पंजा छाप, पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा। नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। आज मैं आपको एक ऐसे संत के पास ले चल रहा हूँ, रूबरू करा रहा हूँ, जो कई बातों का खुलासा करेंगे। देश की आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के विषय में वे विस्फोटक खुलासा करेंगे और कई रहस्यों का उद्घाटन करेंगे। तो आइए आपको हम रूबरू कराते हैं एक ऐसे संत से जो हमारे बीच हैं और हम उन्हीं से जानते हैं उनका परिचय। स्वामी जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, मैं अनंत श्री विभूषी योगीराज योगी सम्राट अध्यात्म तत्वेता ब्रह्मश्री देवराहा बाबा का परम कृपा पात्र हूँ और लगातार 30 वर्षों तक उनकी मैं सेवा किया। मेरा नाम स्वामी दासरथी प्रपन्नाचार्य धर्माचार्य, अखिल भारतीय श्रोत्रिय ब्राह्मण महासंघ का धर्माचार्य का पद मुझे प्राप्त हुआ है और मैं देश सेवा, समाज सेवा, जन सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और देश सेवा जो हमसे पहले किए हैं, जिनके बारे में जो कुछ भी सत्य मुझे जानकारी है, वही आपके सामने मैं रखता हूँ। स्वामी जी, आप झारखंड के रहने वाले हैं और आप धर्माचार्य हैं, आप झारखंड के दूरस्थ गांव जाते हैं, आदिवासियों के बीच में आप रहते हैं, उनके साथ में सामंजस्य स्थापित करते हैं और धर्म के प्रति लोगों को आप जागरूक करते हैं। स्वामी जी, हमें जानना चाहते हैं कि आप आदिवासियों के बीच में कैसे आत्मसात करते हैं खुद को और उन्हें धर्म की शिक्षा कैसे देते हैं झारखंड के गांव में जाकर। जी, जिस तरह से भगवान महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आदिवासियों के बीच में, जैसे सबरी माता के बीच में अपने को प्रस्तुत किए और उस सबरी को जो सम्मान दिए और सबरी जो समर्पित भाव से भगवान महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेवा किए, वही मैं आदर्श को आदिवासियों के बीच में स्थापित करता हूँ। और बहुत आनंद मिलता है आदिवासियों से मिलने के बाद में। वाइके में लगता है कि त्रेता में भगवान महाप्रभु राम, उनके भैया लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सती साध्वी सीता का जो चरित्र उन लोगों के बीच में रखा गया, वही मैं रखता हूँ। और आदिवासियों से मिल करके मुझे इतनी शांति मिलती है कि धरती पर उस शांति से बढ़ करके और कहीं मुझे कुछ
आनंद भी नहीं दे सकता है। आदिवासी जिस तरह से राम की सेवा, भगवती कहिए पराम्बा शबरी माता सेवा जो की हैं, मीठे मीठे बैर को चख चख करके ला करके भगवान महाप्रभु को भोग लगाई हैं। आज जो हम लोगों में कम बुद्धि वाले हैं, संकुचित विचार वाले हैं, जो जाति पाति की पचड़ा में पड़े हुए हैं, दलदल में पड़े हुए हैं, ये उचित नहीं मैं समझता हूँ। हृदय खोल करके मैं आदिवासियों से मिलता हूँ और वाइके में आदिवासी भाई बहनें जो मेरी सेवा करती हैं और जो आदर्श उपस्थित करती है वो वर्णनातीत है, अवर्णनीय है। स्वामी जी, आपने एक विस्फोटक खुलासा किया। आपने इतनी गहराई वाली जानकारी दी है, जीवन भारत से आपने साझा किया था किया है कि सुभाष चंद्र, पहले तो आप ये बताएं स्वामी जी कि आप परम पूज्य देवराह बाबा से कब दीक्षित हुए थे और उनके साथ बिताए क्षण के विषय में कुछ बताएं। जी जी जी, मैं 1900 आपका 68 में अनंत श्री विभूषित जोगीराज जोगी सम्राट अध्यात्म तत्ववेता ब्रह्मश्री देवराहा बाबा विश्व वंद से दीक्षा में लिया वृंदावन धाम में और लगातार 90 तक मैं उनकी सेवा किया हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव 19 जून 1990 को समाधिस्थ जब हो गए वृंदावन धाम में तो मैं उनसे अलग हो गया क्योंकि उनका पार्थिव शरीर रहा नहीं, वो विलीन हो गए, वैकुंठ पद को प्राप्त कर लिए। मैं कई राज्यों में भ्रमण किया हूँ। झारखंड तो मेरा मुख्य स्थान है, झारखंड में गुमला है, सिमडेगा है, उधर मैं आदिवासियों से उराव खड़िया मुंडा सबसे मिला हूँ और उन लोगों के घर घर में जा कर के बिल्कुल बड़बड़ गमला में टोकरी में पपीता का भोग पाया हूँ, तुलसी दल डाल करके भोग लगाई हैं और जिस तरह से राम को शबरी माँ समर्पित करती थी फल को उसी तरह से वो लोग की हैं और उस क्रम में मुझे परमानंद की प्राप्ति हुई। लगा कि वायके में ये सवरी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है और अपने को तो मैं भगवान राम का दास मानता हूँ, राम का सेवक मानता हूँ, राम का एक छोटा सा किंकर मानता हूँ। मैं राम नहीं हो सकता क्योंकि जीव कभी शिव नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी सेवा करता हूँ इसलिए सेवक तो मैं अपने को अवश्य कह सकता हूँ। तो मैं योगीराज देवराहा बाबा से 1968 में दीक्षा प्राप्त किया हूँ, वैष्णवी दीक्षा मुझे मिली है और लगातार जब तक उनका पार्थिव शरीर धरती पर रहा 19 जून 1990 को वृंदावन धाम में गोलोक में पल्ली पार में यमुना के दूसरे पार में वो समाधिस्थ हुए हैं। आज भी उनका समाधि स्थल बरकरार है। उनका जोगनी एकादशी में जो आषाढ़ मास में आती है बाबा का परमलोक की प्राप्ति हुई और अभी भी अखंड श्री राम नाम संकीर्तन अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। पूर्णि तिथि में प्रतिवर्ष उत्सव मना करके सैकड़ों सैकड़ों नहीं लाखों लाख लोगों को वहाँ प्रसाद भोजन मिलता है, अखंड श्री राम नाम का हरि कीर्तन चलता है। कुछ देवराहा बाबा के साथ बिताए हुए कुछ क्षण का आप कुछ याद स्मृति होगा? जी जी, पूर्ण पूर्ण पूर्ण। मैं योगीराज देवराहा बाबा के पास में 1974 में जब था तो हमारे देश के बहुत बड़े नेता कहिए बाबू जगजीवन राम जी गए, दोनों दंपति बाबा से दीक्षा लिए। बाबा बोले कि बेटा दाशरथी प्रपन्नाचार्य तुम गंगा जमुना जी का जल से इनको स्नान कराओ, पवित्र कराओ। सब मैं कराया और उसके बाद में हमारे बाबू जगजीवन राम जी दोनों पति पत्नी श्री राम मंत्र का दीक्षा लिए। बाबा बोले कि कलयुग का तुम अवतार हो, कलयुग का राजा तो तुम ही हो रे जगुआ। इस तरह से बाबा की भाषा अनुपम भाषा थी, बहुत आनंद आया। जब सम्माननीय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हार गई जी 1977 में, तब बाबा के पास गई। उस समय बाबा देवरिया में लार स्टेशन में मैलगांव चौराह में अभी भी आश्रम बरकरार है, पूरे रात्रि राम नाम का संकीर्तन की। बाबा बाहर आए, कहा बेटी तुम क्या कर रही हो, तुम इस साधु महात्मा का जो ऑपरेशन करवा रही हो, बंध्याकरण करा रही हो, इसी कारण तुमको हारना पड़ा। तुम मेरा आशीर्वाद लो, मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा चुनाव चिन्ह होगा, पंजा छाप
पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा, जोड़ा बैल। लेकिन बाबा का आशीर्वाद जब प्राप्त हुआ, बाबा का पंजा छाप आशीर्वाद का ये पंजा छाप प्राप्त की का भारी बहुमत से तुम विजय प्राप्त करोगी और तुमको गौ हत्या बंद कर देना पड़ेगा। ये मैं अपने कानों से सुना और मेरे सामने में बाबा उनको आशीर्वाद दिए और इसका क्या हुआ, आशीर्वाद का शुभ परिणाम भारी बहुमत से वो विजयी हुई। और भारी बहुमत से विजयी होने के बाद में बाबा उस समय ज्येष्ठ मास में काशीपुरी में बीच गंगा जी में मचान बनता था, वहाँ निवास करते थे। एक मास तक गंगा दशहरा तक इंदिरा गांधी पहुँची सोने के थाल में, सोने के खड़ाऊँ बना करके बाबा की सेवा में। बाबा बोले, अरे ये तुम क्या कर रही हो इंदिरा, ये बाबा सोना का खड़ाऊ पहनेंगे, तुम इस खड़ाऊँ को, इस सोना को किसी मंदिर में दान दो जिससे भगवान का मुकुट बनेगा। बाबा ये तो लंगटा बाबा हैं, ये दिगंबर हैं, इनको तो कोई भी आपका न वस्त्र चाहिए, न कोई सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, न मोती चाहिए। बाबा की इस त्याग को देख करके हम सारे शिष्यगण रात दिन जो है उनके चरणों में नतमस्तक रहते थे। इस तरह से बाबा की अपरंपार महिमा, बाबा की 108 दीपक प्रज्वलित करके श्रीमती इंदिरा गांधी नाव पर से ही उनकी आरती की, आशीर्वाद ली और उनका परम शिष्या तो थी ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये मैं बाबा का चमत्कार देखा कि बाबा अपना जब पंजा छाप आशीर्वाद की जो मुद्रा उनकी है जब प्रदान किया इंदिरा गांधी को, भारी बहुमत से वो विजयी हुई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा आपका रामरेखा धाम में आना रहा है, पूज्य रामरेखा बाबा जो गुरुदेव गुरु भाई थे देवराहा बाबा के, तो उनके साथ भी आपका सानिध्य रहा है जी। उनके विषय में और रामरेखा धाम के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में जी। संक्षिप्त में सर, मैं 1985 से रामरेखा धाम आना प्रारंभ किया जी, आना प्रारंभ किया। और बाबा वायके में महापुरुष थे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। जिस तरह से दया की आपका मूर्ति हमारे भगवान राम, उसी तरह से हमारे जयराम प्रपन्नाचार्य जी रामरेखा बाबा, और उनके सानिध्य में मैं महीनों महीनों रहा, कई यज्ञ करवाया और जहाँ भी उनका पधारणा होता था मैं उनका शिष्य ही कही हूँ, क्योंकि वो देवराहा बाबा के गुरु भाई और मैं देवराहा बाबा का शिष्य तो उनका भी शिष्य। और उनके सानिध्य में मैं देखा कि जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देते थे अपने समय में, बंध्या को पुत्र, सैकड़ों सैकड़ों को बाबा का आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती थी, बाबा अखंड हरिनाम संकीर्तन करवाते थे और उसके प्रभाव से वर्षा होती थी, अन्न का उपज पर्याप्त होता था। इस तरह से बाबा के सानिध्य में मैं कई यज्ञ भी करवाया, आचार्यत्व का भी कार्य में किया, जैसे हीरादह, ऐसे ऐसे कई स्थान हैं जो बाबा को कभी भूला नहीं जा सकता है। बाबा इस धरती का कही एक अलंकार थे और अभी भी हैं, क्योंकि जस कीर्ति सजीवति, जिसकी कीर्ति भुवन मंडल पर आपका अवस्थित होता है वो कभी मरता नहीं है, कीर्ति ही जीवन है। कोर्था पुत्रे न जाते न जो विद्वान न धार्मिक, काणे न चक्षुषा किं वा चक्षु पीड़े व केवलम। उस मनुष्य को, उस पुत्र को जन्म लेने से क्या फायदा जिसका संसार में आपका नाम न हो। इसलिए बाबा का नाम सदा अमर है, अमर रहेगा, ऐसा उन्होंने कार्य भी किया है। उनके मुखारविंद से मैं सुना हूँ, वो हमारे देश को आज़ादी देने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ में आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, ये बात भी बाबा अपने मुखारविंद से बोले हैं, बोलते थे और मैं सुनता था। स्वामी जी, आपने अभी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया, आज़ादी के सिपाही सुभाष चंद्र बोस, तो आप एक बड़ा विस्फोटक खुलासा आप कर रहे हैं जीएन भारत के साथ। आपने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद भी आपने उनसे मिला था, कुछ देवराहा बाबा भी थे, रामरेखा बाबा भी थे, तो जरा उस प्रसंग को जरा बताएंगे जीवन भारत के साथ अपने दर्शकों को कि वह दृश्य क्या था और इसका खुलासा आप कैसे कर रहे हैं जी। यद्यपि मैं उनके व्यक्तित्व से पूर्ण प्रभावित भी हूँ, भारतीय राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी समानता पार्टी के संयोजक शिव खेड़ा जी और उस पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ, और मेरे एक परम प्रिय आपका
अर्जुन नारायण देव हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और उस शिव खेड़ा जी के द्वारा एक ग्रंथ भी हमको प्राप्त है जो अभी पढ़ते भी हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो सुभाष चंद्र बोस जी की पूरे जीवनी के बारे में उल्लेख है। सुभाष चंद्र बोस जी स्वाभाविक मृत्यु से मरे हैं और 1986 तक वो धरती पर रहे हैं, इसकी पूर्ण जानकारी है। 86 में ही वृंदावन धाम में परम पूज्य परमाराध्य प्रातः स्मरणीय रामरेखा बाबा महंत श्री जयराम प्रपन्नाचार्य जी के साथ में था। कलकत्ता का मंदिर है वृंदावन धाम में, वहाँ एकाएक विशाल संत के रूप में उनका दर्शन हुआ। खादी का धोती दुपट्टा, खादी का कुर्ता बिल्कुल, और बड़ी बड़ी जो है सो दाढ़ी, बाल के रूप में, बाल उनके सर पर, जटाधारी के रूप में वो मिले। जब दोनों रामरेखा बाबा और सुभाष चंद्र बोस जी का आमने सामने हुआ, तो रामरेखा बाबा के आँखों से आंसू की धारा, गंगा के धारा के जिससे बहने लगी। वहाँ स्पष्ट कुछ किया नहीं गया, दोनों हृदय से हृदय मिले, और मिलने के बाद में रामरेखा बाबा बोले कि क्या हम लोगों का जीवन था, जब देश आज़ादी की लड़ाई आप लड़ रहे थे तो हम सारे आपके पीछे कदम से कदम मिला करके चलते थे, आज क्या हो गया जो हम और आप बहुत दिनों पर मिले हैं। इस तरह से गुहितम बातें हुई दोनों में, और बातें होने के बाद में फिर जो है कुछ ही देर में दोनों का बिलगाव हो गया। बिलगाव होने के बाद में स्वामी जी से मैं जानकारी पाया, वो बोले कि आप ही सुभाष चंद्र बोस थे जिनसे मेरी बातें हुई, जिनसे मैं मिला हृदय से हृदय, 86 की बात है जी। और वाकई में मैं उस दृश्य को देख करके बिल्कुल बर्फ जैसा पिघल गया, क्या मेरे बाबा पूज्य रामरेखा बाबा हैं, क्या इनका उच्च कोटि का व्यक्तित्व है जो देश आज़ादी के लिए इस तरह का उस जीवन को समर्पित कर दिए भारत माँ के श्री चरणों में जी। और इसके आगे भी बहुत बातें हैं जो बताया नहीं जा सकता है। बाबा जी ये जानना चाह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को छिप के रहने की क्यों ज़रूरत पड़ी इसके बारे में, हाँ, और उनकी मृत्यु का रहस्य क्या था। लोगों ने कहा प्लेन क्रैश कर गया, उसमें उनकी मृत्यु हो गई, फिर उनको जीवंत स्थिति में आप लोगों ने देखा, फिर छिप के रहने लगे, तो इसका पूरा उद्घाटन करें इसका। जी जी, इसका उद्घाटन मेरे जानकारी से और सत्य जानकारी है मेरी, कहीं उसमें बनावटी बातें नहीं है। जब झारखंड का ही गोमो जंक्शन से उड़ान उनका हेलीकॉप्टर किया, इटली का जो हिटलर था उसके साथ में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा गोला दागा गया उनके हेलीकॉप्टर को जलाने के लिए, धराशायी करने के लिए, आग उसमें लगी, और वो हिमाचल के किसी एक क्षेत्र में जहाज जल करके राख भी हो गया। फिर जांच जब किया गया तो पता चला कि नहीं, हेलीकॉप्टर तो जल करके राख हो गया लेकिन किसी का वहाँ शव का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसलिए अंग्रेज को, शासक को, ब्रिटिश को ये हुआ कि ये दोनों महापुरुष मरे नहीं हैं, दोनों व्यक्ति वाइके में जीवित हैं। कौन कौन दोनों पुरुष? एक हिटलर जर्मनी का और दूसरा हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो जब देश को आज़ादी देने के लिए वो बाध्य हो गए तो बॉन्ड बनवा ली कि किसी भी रूप में यदि सुभाष चंद्र मिलते हैं जिंदा या मुर्दा रूप में तो आपको मुझे समर्पित कर देना पड़ेगा उनका काया को, उनका शरीर को। इसी बात पर बॉन्डेड होकर के भारत को आज़ादी मिली है। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस अपने को गुप्त कर लिए, अपने को रहस्यात्मक ढंग से आपका देश में रखे, और कभी भी वो प्रकट नहीं होने दिए। कई रूप में, कई नाम से हमारे बाबा, हनुमान बाबा भी सुभाष चंद्र बोस का नाम था, खोखा बाबा भी इनका नाम था, पोपा बाबा इनका नाम, सैकड़ों नाम मेरे पास है। अभी मैं संपूर्ण कंठस्थ करके नहीं आया हूँ, कभी आपका और मेरा जब समागम होगा ऋषिकेश बाबा महाराज जी, तो मैं उन सब नामों से भी आपको परिचित कराऊँगा। बोली भारत माता की जय। बाबा जी, आपने महान स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में कुछ लाइन बताया जो काफ़ी किया, प्रभावित किया, ज़रा उसके विषय में बताएंगे।
चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम से और उनका जो शुभ काम हुआ देश की आज़ादी में, जो उनकी भूमिका रही, इससे हम क्या करोड़ों करोड़ भारत की जनता प्रभावित है। सुभाष ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी 15 वर्ष की छोटी आयु में इस संस्कृत के छात्र रहे, मध्यमा पास की संस्कृत से। इनके पिताश्री भी उद्भट विद्वान पंडित थे और ये 15 वर्ष में ही आज़ादी के मैदान में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस और वीर भगत सिंह का दहना हाथ ही बन गए। दहना हाथ बन करके ये पूरे भारत को जगा दिया, भारतीय जनता को जगा दिया। उतनी कम आयु में ये जो कर दिए सो वर्णनातीत है। और कभी भी ये अरेस्ट होते थे, जब इनसे ब्रिटिश सरकार पूछता था कि अपना परिचय बताओ क्या नाम है, कभी ये नहीं बोलते थे कि मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है, बोलते थे मेरा नाम आज़ाद, तुम्हारा पिता का नाम स्वतंत्र और तुम्हारी माता का नाम भारत। ये उनका मुखारविंद से निकलता था। कोड़ों की मार लगती थी लेकिन फिर भी वो इस बात को कभी बदलते नहीं थे कि तुम सही सही नाम बताओ कि मेरा तो ये ऐतिहासिक नाम है, यही मेरा नाम है। मेरा नाम आज़ाद, माता का नाम भारत, पिता का नाम स्वतंत्र। और फिर जेल में भी कई बार उनको बंद किया गया लेकिन कभी उन्होंने इस बात को बदला नहीं। उनका संकल्प था कि जब तक मैं जीवित रहूँगा देश को आज़ाद करूँगा, देश की आज़ादी की ही लड़ाई लड़ूंगा। कार्यम वा साध्यामि देहम वा पाथ्यामि, ये शरीर मेरा चला जाए तो चला जाए लेकिन मेरा संकल्प कभी असत्य न हो। उन्हीं के परिवार, उन्हीं के सदस्य, कहिए ना मामा जी, इलाहाबाद के कंपनी बाग में ये छुपे हुए थे। छुपे क्या रहेंगे, सिंह के समान वो अपना शिकार देख रहे थे। इसी बीच में घरवा दिया उसका मामा। घरवा देने के बाद में ब्रिटिश का फौज इन पर अनाधुंध गोलियां बरसाने लगे। इनके पास भी रिवाल्वर था, सिक्सर था। जब तक इनके पास गोलियां रही, दुश्मनों को भूंजते रहे, दुश्मनों को अपने निशाना से कभी भागने नहीं दिए। जब मात्र एक गोली इनके पास बची तो अपने रिवाल्वर से, अपने हाथ से अपने सीना में गोली मार करके और वो आपका शहीद हो गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मरे नहीं, मरता वो है जिसकी कीर्ति धरती पर नहीं होती, अमर हो गए। और भी बहुत कुछ मैं भारत के युवाओं को क्या कहेंगे आप, भारत के युवा भटकाव की ओर हैं, धर्म कर्म से दूर जा रहे हैं, तो उनको आपका क्या संदेश होगा? जी मेरा संदेश आज के युवाओं के लिए यही होगा। मेरे चाणक्य जी विष्णु शर्मा जी बहुत सुंदर नीति ग्रंथ में लिखे हैं कि सजातो जे न जाते न जाति वंश समुन्नतिम अपरिवर्तनीयशील संसारे मृत कोवा न जायते। उसी को जन्म लेना इस धरती पर सार्थक है जो जन्म लेकर अपना समाज, अपना देश के लिए जो मर मिटता है, जिसका जन्म केवल उदर भरने के लिए लिया गया है, उसका कोई महत्व नहीं है। श्रीमान जी मिश्र जी, ये भी हमारे मैथिली संगुप्त जी बहुत सुंदर मानवता का वर्णन किए। बहुत आनंद आता है इस सब पंक्तियों को पढ़ने के बाद में कि मान लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यों मरो, जो याद तो करें सभी, हुई न जो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं है जो जिया न आपके लिए। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की तथा सजीव कृति कूजती, उसी उदार को तथा समस्त सृष्टि पूजती। आ वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य माम बंधु है, यही बड़ा विवेक है। आज के युवा शक्ति को मैं चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस और देश के सिपाही ये आपका भगत सिंह के रूप में देखना चाहता हूँ कि सब यदि युवा मेरे वाईके में आपका सुभाष चंद्र बोस का पृष्ठपोषक हो जाएं। हमारे
भगत सिंह के पृष्ठपोषक हो जाएं, चंद्रशेखर आज़ाद जी का पृष्ठपोषक हो जाएं, तो वाईके में आज हम लोग बिल्कुल स्वाधीन हो जाएंगे। अभी स्वाधीन नहीं, भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए हम नवजुवकों को चंद्रशेखर आज़ाद के चिन्हों पर चलना परमावश्यक है। यही मैं मिश्र जी अनुभव कर रहा हूँ और इसका ज़रूरत है। जीवन भारत को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए स्वामी जी बहुत बहुत आभार आपका। जी मैं भी अपने को हो भाग्यवान मानता हूँ, आज जो आपसे मेरा संपर्क हुआ है, इसलिए इस चैनल के विकास के लिए निरंतर दिन दूना रात चौगुना के लिए मैं अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आपके जैसे कर्मठ सुयोग्य विद्वान के लिए मैं दीर्घ जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये चैनल का निरंतर विकास हो, पूरे विश्व में ये छा जाए बादल के समान, आसमान के समान। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस चैनल से मुझे यही शिक्षा मिली है। इस चैनल का तात्पर्य है कि सभी लोग, देश विदेश के लोग सुखी हों, सभी लोग रोग रहित हों, सभी लोग कल्याण दृष्टिवान हों और किसी को किसी तरह का कष्ट न हो। इस सच्चा चैनल है। इस चैनल का जो नित्य दर्शक गण होंगे उनका आँख के जो पर्दा है, जो स्वार्थ की पर्दा है, जो जाति पाति की दलदल है, उससे वो आगे बढ़ करके और देश के कल्याण के कार्य में वो समर्पित होकर के वो आगे बढ़ेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।